राम सरकार हम बिहार आ रहे हैं मई में, बिहार आ रहे हैं हम 13 मई से, और पटना आ रहे हैं। आज ही हमारी वहां की चर्चा हो रही थी, और बिहार तो ना बाद हो रहा, सब ठीक बानी, जुग जुग जियाला, अमर हो जा, हाँ गोड़ लागू। तो बड़ा आनंद आएगा, हम बिहार आ रहे हैं। जब से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बिहार के पटना में दरबार लगाने का ऐलान किया है, तभी से बिहार की सियासत पूरे उफान पर आ गई है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने ठान लिया है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बिहार में आने नहीं देंगे। आपको याद हो, अभी कुछ ही दिनों पहले लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ने बागेश्वर बाबा को चेतावनी दी थी। बागेश्वर बाबा आने वाले हैं, अब सारे नौजवान हैं एकजुट। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा, उनको एयरपोर्ट पर घेराव में करने का काम करूंगा। अगर बागेश्वर बाबा आएंगे और हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम करेंगे, तो अगर भाईचारे का संदेश देंगे आकर के कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो उनका बिहार में एंट्री हो सकता है। और अब एक बार फिर तेज प्रताप यादव ने बागेश्वर बाबा पर सीधा हमला बोला है। इतना ही नहीं, यादव ने तो बागेश्वर बाबा को रोकने के लिए टीम भी तैयार कर ली है, जिसमें लगभग 15 लोग शामिल है, और फिर ट्वीट कर ये ऐलान कर दिया कि धर्म को टुकड़ों में बांटने वालों को करारा जवाब मिलेगा, तैयारी पूरी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। तेज प्रताप यादव ने इस ट्वीट के साथ जो तस्वीरें शेयर की उसमें तकरीबन 15 लोग हैं जिन्हें लाइन में खड़ा करके तेज प्रताप यादव उन्हें ट्रेनिंग देते नजर आ रहे हैं। बता दें, ये तस्वीरें तेज प्रताप यादव की तरफ से चलाई जा रही DSS नाम की एक संस्था की है, जिसमें उन्होंने युवाओं को जोड़ रखा है। इस संस्था के बारे में उनका कहना है कि DSS सभी धर्मों के सम्मान की नीति पर काम करती है। और अब इस संस्था की नई पुरानी तस्वीरों को पोस्ट करके तेज प्रताप यादव ने बाबा बागेश्वर पर सीधा हमला बोला है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के बागेश्वर बाबा दरबार के पुजारी मशहूर कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का 13 से 17 मई तक बिहार के पटना में कार्यक्रम प्रस्तावित है। आयोजकों के मुताबिक बाबा का पटना के नौबतपुर में दिव्य दरबार लगेगा, जिसमें वो हनुमत कथा भी करेंगे। खुद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी वीडियो जारी कर इस बात का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन इससे पहले ही बिहार में सियासी संग्राम छिड़ गया है। RJD बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम का विरोध कर रही है, जिसका ऐलान खुद लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार सरकार में वन और पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने किया है। वहीं दूसरी तरफ BJP ने ऐलान कर रखा है कि हर हाल में वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का समर्थन करेगी, उन्हें पटना आने से रोके जाने का भी BJP ने विरोध किया है। ऐसे में आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति के गरमाने के कयास लगाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पैंकर न्यूज़।